सो एच ए वर्मा का डाउट सेशन में सबसे पहला सवाल आया एट्थ क्वेश्चंस। अच्छा एट्थ डाउट है, मुझे लगा था नाइन्थ सोचा था, एट्थ अच्छा सवाल है बच्चों। एट्थ में कह रहा है कि दे जे रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर का रेडियस दे दिया है, मास दे दिया है 1 मिलीग्राम, इसका मतलब केजी में अगर लिखूं तो कितना हो जाएगा बच्चों? सर 4 मिलीग्राम। आवाज आ रही है? 4 मिलीग्राम। अच्छा 4 मिलीग्राम, सॉरी 4 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को अगर केजी में लिखें तो इतना लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. टेंटवा माइनस 3 और ग्राम का टेंटवा माइनस 3, टेंटवा माइनस 4 केजी। रेडियस 10^-3 मीटर और ये वी स्पीड से कोलाइड किया। उसके बाद ये कहा है कि कोलाइड करने के बाद क्या आया, इट कम्स टू रेस्ट assuming equivalently that drops cover a distance equal to their radii on the head, estimate the force exerted by each drop on the head. अब जब बच्चों ये कोलाइड किया तो ये आके फिर यहीं पे स्प्लैश हो गया, तो इफेक्टिवली सोचो कि इसको कितना डिस्टेंस चला है, तो ये इफेक्टिवली माना है कि आर रेडियस के बराबर चला है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इफ आई आस्क यू टू फाइंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन, हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u है 2a into s, एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा, रिटार्ड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। तो ये तुम निकाल लोगे और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ऐसा कर सकते हैं क्या? यस सर। तो इसको देखना आंसर आ रहा है क्या, ए निकाल लिया इससे और एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए लिख सकते हैं। यस सर आता। ठीक है, तो एट्थ सवाल हो गया। एट्थ के बाद जो सवाल है टेंथ, टेंथ किसी ने पूछा है? सर ये मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन है क्या? ये एच सी वर्मा का सवाल लिया हूं। एचसी वर्मा बुक तुम्हारे घर पे नहीं है, तुम्हारे पास? नहीं सर, लेनी है क्या? यस एचसी वर्मा तो सारे बच्चे खरीद लें एक बार। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टेंथ सवाल ले रहे हैं एचसीबी का। बच्चों इतना जरूर करना कि हर बच्चा की एचसी वर्मा का कोई भी सवाल ना छूटे और उसके बाद सीट्स अपना कंप्लीट करना। सीट्स में एचसी वर्मा के भी सवाल हैं, कॉमन सवाल मिल जाएंगे।
ऐसा कुछ डायग्राम दिया है, करा इसको क्या किया, एक्स डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया इक्विलिब्रियम से, मतलब यहाँ पे स्प्रिंग सब नेचुरल लेंथ में इस सिचुएशन में। अब इस सवाल में जब ब्लॉक्स यहाँ आ गया बच्चों, तो K1 स्प्रिंग एक्स डिस्टेंस कंप्रेस्ड है, सो दिस विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन हाउ मच, K1x। K2x बच्चों इलोंगेटेड है सेम डिस्टेंस से, सो अगेन इट विल पुल कितना से, K2x। सो दोनों का डायरेक्शन सेम, तो जिस समय रिलीज किया व्हाट विल बी द नेट फोर्स, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर पूछा जाए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इनिशियल एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास। अंशु राठे क्लियर ये? यस सर। दिस इज द इनिशियल एक्सेलरेशन, बहुत ही सिंपल सा है। टेंथ के बाद कौन सा है, ट्वेल्थ। बच्चों ट्वेल्थ सवाल में फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, बच्चों कुआं में एक बच्चा फंस गया है और उसके दोस्त उसको निकाल रहे हैं। उसने क्या मेथड यूज किया है, दे हैव यूज्ड अ स्ट्रिंग, इस पे आदमी बैठ गया है और दो दोस्त मिलकर उसको ऐसे बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे पुल कर रहे हैं, है ना, ये डिस्टेंस कुछ दिया हुआ, लेट्स की ये डी डिस्टेंस है, डायमीटर सॉरी रेडियस ऑफ द वेल, और ये हाइट सपोज कुछ दिया है इसमें, तो वही मान लेता हूं एच दिया है एच, और ये डी ना पूरे को दिए, चलो पूरा का डी है, तो ये डी बाई टू हो जाएगा। अब बच्चों स्लोली पुल किया जा रहा है, कैसे पुल कर रहा है, स्लोली एफ फोर्स लगा के पुल कर रहा है, तो यहां पे फोर्स एफ इधर लग रहा है बच्चों, यहां पे फोर्स इधर लग रहा है और सिमेट्रिक है, इस पे इधर एम जी लग रहा है, ये स्लोली पुल्ड का मतलब क्या इंटरप्रेट करोगे, और एक्सेलरेशन जीरो नेगलिजिबल, बहुत बढ़िया एक्सेलरेशन जीरो। तो बच्चों नेट फोर्स जीरो। अब देखो यहां पे ये फोर्स एफ है, इधर भी एफ है, एफ का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 2F cos थीटा और mg नीचे है, है ना बच्चों, सो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg अपॉन 2 cos थीटा। नाउ आर्य जोशी बताना, आज द पर्सन मूव्स अप व्हाट विल हैपन टू थीटा, थीटा डैश जो जाएगा ग्रेटर देन थीटा होगा, थीटा विल इंक्रीज, थीटा विल इंक्रीज, सो व्हाट विल हैपन टू कॉस थीटा, थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा बच्चों कम होता है, है ना, कॉस थीटा पे जब कम हो जाएगा बच्चों तो एफ का वैल्यू क्या होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये क्वांटिटी बड़ा होगा, सो एफ विल इंक्रीज। बच्चों ये क्लियर, यस सर। एफ का वैल्यू आ जाएगा
एम जी अपॉन टू, और अगर कॉस थीटा का वैल्यू लिखना ही है बच्चों तो कॉस थीटा हो जाएगा तुम्हारा बेस, बेस कितना है यहाँ पे एच अपॉन हाइपोटेनियस डी बाय टू का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। तो अगर देखोगे ऑप्शन में तो कुछ ऐसा दिया रहेगा एम जी एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर का रूट डिवाइडेड बाई टू एच एफ का वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना, देख लो यही है। चलो कुछ मैसेजेज आए हैं। आयुष सिरोड़े ने कहा कि सर हाउ डू वी इंटरप्रेट स्लोली पुलिंग मीन सक्सेशन जीरो। स्लोली पुलिंग का मतलब बच्चों वेलोसिटी जीरो ही है, बढ़ी नहीं रहा है वेलोसिटी, थोड़ा सा है, 1 cm/s 2 cm/s एक्सेलरेशन रहेगा तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। चलो तो ये सब टर्म यूज में आएंगे आयुष, ये मैंने ये सब जैसे नए कुछ भी सीखता है तो ध्यान में। यस सर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 10, 12 हो गया, 12 के बाद कौन सा रहा 16, 16 के बाद 19, 16 एंड देन 19। सर सर 12 का आंसर 2h नहीं 4h दिया है सर। अच्छा उधर तो हाँ d स्क्वायर बाय 4 मैंने लिखा ना, उसको सिंपलीफाई कर दिया है। सर एक्चुअली वो साइन थीटा से करते तो आता है है ना, अरे किसी से भी करेंगे तो आएगा, कॉस थीटा से थोड़ी नहीं आएगा, वो सेम ही है, इतना तो कैलकुलेशंस करो। कहाँ लिखा है देखो, मैंने यहाँ पे ये 4 रहने दिया है ना, इसको अगर ऐसे लिखोगे एम जी 4h² प्लस डी स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे 2 नीचे आ गया, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा 4h हो जाएगा, इस फॉर्मेट में दिया। आई बात समझ में? यस सर। अब थीटा कोई भी हॉरिजॉन्टल से माना है, वर्टिकल से माना है, फाइनल आंसर तो नहीं गलत होगा एच और डी के टर्म में। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं बच्चों। 16 अच्छा, एक पुली कनेक्टेड है एक लिफ्ट में, और पुली के साथ स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, एंड देन टू ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं।
तो अभी हमने सुडो फोर्स नहीं पढ़ा है, इसलिए हम ग्राउंड फ्रेम से इसको स्टडी करेंगे। ऐसे सुडो फोर्स पढ़ा दूंगा तो उससे भी कर लेंगे। ये बच्चों 3 kg का है और ये 1.5 kg का है। बच्चों ये जा रहा है एक्सेशन ए विच इज जी बाई 10 इन अपवर्ड डायरेक्शन। पूछा है रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा। तो अगर मैं कहूं कि लेट्स टेंशन इज टी बच्चों, टेंशन इज टी, तो रीडिंग क्या होगा, टी या टू टी? टू टी होगा बच्चों। सो हमें रीडिंग निकालना है, मतलब वी नीड टू फाइंड टी। एम आई राइट बच्चों? हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, टी निकालना है। अब जैसे देखो कि हमें क्या दिखेगा, अगर किसी को मैं यहां पे बैठा दूं, वो देखेगा कि अगर 3 kg सपोज A1 एक्सेशन से नीचे आ रहा है, सो अकॉर्डिंग टू हिम दिस विल गो अप विथ एक्सेशन A1 वनली, है ना। इस ब्लॉक का मास नाम देता है ए, इस ब्लॉक का नाम देते हैं बी। तो एग्जैक्टली मैं बताना चाह रहा हूं कि बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो है A1 - J कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है आयुष सिरोड़े बताएगा क्या है। Yes, sir. Acceleration of B1 with respect to the lift is A2 J cap. क्या है? A1 J cap. बच्चों हम लोग तो inertial frame में Newton's law लिखते हैं। मुझे actually चाहिए acceleration of A with respect to ground. You will say that acceleration of A with respect to lift प्लस मल्हार पटवर्धन, कंप्लीट करो इसको। सर एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत बढ़िया, एकदम सही। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, A1 - J cap और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो कितना है, G/10 J cap। इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 - G/10, क्या लिखेंगे बच्चों, -J cap। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट यही लिखेंगे फॉर्मेट, A1 + G/10 J cap। कंफर्म करो मैंने सही लिखा क्या टी। एक्सेलरेशन में मान लेता हूं ये -J cap में है तो इधर है, कितना है, A1 - G/10 है, है ना। इक्वेशंस क्या लिखूंगा इसका, नेट फोर्स डाउनवर्ड MA g - t दैट इज इक्वल टू MA1 - G/10। क्लियर। बी का भी लिख दूं डायरेक्टली, T - MBG = MB × A1 + G/10 ऊपर। और इससे क्या करना बच्चों, A1 को एलिमिनेट कर देना है और T निकालना है।
एंड फाइंड टी वन. सो आंसर्स क्या हो जाएगा, टू टी वन. तो टी वन ने टी लिखा है तो टी लिखा है तो टू टी. आर जोशी ये क्लियर क्या? यस सर. कौशल को दिक्कत? नो सर. चलो एक बच्चा कौन निकल गया, अभी तो था. अठारह, 18 नंबर किसका है? निर्मिति क्लियर? यस सर. चलो तो बच्चों नेक्स्ट सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, दैट इज 19th एंड 20. दिस इज वेरी गुड सम. तो बच्चों तुम लोग अपने बुक में एचसी वर्मा में स्टार मार्क कर लोगे. पहला बढ़िया सा सवाल आ रहा, एक ही लगभग कॉन्सेप्ट पे है, 19 एंड 20. मेक स्टार मार्क. अच्छा एक बलून है, बलून से एक देखते होगे मूवी वूवी में ऐसे बनाया रहता है, इसमें तुम खड़ा रहते हो है ना, कुछ सामान रहता है यहाँ पे रखा हुआ. एंड दिस rides up with some acceleration, I think, or some velocity. कैसे जा रहा है? The force of buoyancy exerted by atmosphere on the balloon is B. ये बच्चों ये balloon है और इसपे जो buoyancy का force लगता है, जो बाद में पढ़ोगे, but थोड़ा सा idea होगा Archimedes principle ये सब. So air इसपे force लगा रहा है. तो buoyancy का force कितना लगता है बच्चों? Displace fluid के weight के बराबर, isn't it? Yes, तो बच्चों इस पे ना एयर का एक बॉयंसी फोर्स एयर का भी होगा, बिकॉज बलून का साइज बहुत बड़ा है. पता है ना नॉर्मल अगर बलून तुम लोग छोड़ोगे तो वो बलून ऊपर नहीं जाता है, लेकिन कौन सा बलून? हीलियम फिल्ड बलून क्या होता है, ऊपर जाता है. कभी मार्केट में मिलता है ना ऐसा? यस सर. हीलियम रहता है उसमें, क्या रहता है, कौन सा गैस रहता है, मुझे भी नहीं पता. हीलियम ही होता है सर. अच्छा हीलियम होता है, ठीक है. कहां से इतना इजीली हीलियम ले आते हैं? बट एनीवे बच्चों इसका मतलब इसमें जो है ना वो लाइटर गैस है, और एयर का तो जो एवरेज डेंसिटी, एयर में कौन सा है मैक्सिमम, तो नाइट्रोजन है. तो एवरेज डेंसिटी जो है नाइट्रोजन के आसपास होता है ना. तो ये लाइटर इसलिए बॉयंसी फोर्स जो होता है वो ऊपर नेट लग जाता है, इसका जो वेट है नीचे कम है, बॉयंसी फोर्स ज्यादा है इसलिए ऊपर जाता है. तो यहाँ भी कुछ वैसा ही होता है बच्चों, इसमें भी ऐसे फील्ड होता है. तो बॉयंसी फोर्स ऊपर लग रहा है और इसमें कुछ मास है बच्चों, बलून का मास, बलून में जो गैस है, यहाँ पे जो मास, टोटल मास सपोज कैपिटल एम है. अगर बॉयंसी ज्यादा है, स्लाइटली ग्रेटर भी mg से है, तो ये धीरे धीरे ऊपर राइज करेगा. लेकिन करा के ये ऊपर जब जा रहा है तो बच्चों एयर का एक ड्रैग फोर्स भी लगता है. जैसे बाइक से जा रहे हो तो बाइक पे तुम एक्सपीरियंस कियोगे कि एयर का एक ड्रैग फोर्स लगता है. तो ड्रैग फोर्स ऑफ द एयर भी है. और ये जो होता है, ये होता है बच्चों प्रोपोर्शनल टू कितना वेलोसिटी है. तुम ज्यादा स्पीड से जाते हो एयर ड्रैग यू विल एक्सपीरियंस मोर. सब क्या दिया है समझना, इसमें सवाल क्या है?
करा कि ये इस पे ना थोड़ा सा मास हो गया है ज्यादा जितना होना चाहिए था, तो क्या हो रहा है कि ये ना नीचे जा रहा है, इट इज गोइंग डाउन बिकॉज मास ज्यादा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो इस पे एयर का ड्रैग किधर लगेगा बच्चों, नीचे जा रहा है, तो एफ एयर ड्रैग जो है एफ डी ड्रैग के लिए लिख रहा हूं, वो ऊपर लगेगा वेलोसिटी का पॉइंट। कह रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जाए, सो व्हाट वी विल इंटरप्रेट, नो फोर्स इज अप्लाइड, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है। तो एमजी नीचे है बच्चों, बॉयंसी फोर्स ऊपर है, ड्रैग फोर्स ऊपर है और इतना इज इक्वल टू जीरो है पहला इक्वेशन। अब बच्चों इसको तो जाना था ऊपर और ये जा रहा है नीचे, तो ये आदमी ने डिसाइड किया यार इसका मास थोड़ा ज्यादा हो गया, एक काम करते हैं थोड़ा सा मास को ना ड्रॉप कर देते हैं, इट हैज ड्रॉप्ड सम मास फ्रॉम हियर, तो इसका थोड़ा वेट कम हो गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा कैपिटल एम जी के जगह पे स्मॉल एम जी लग जाएगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी हो जाएगा, ये मास बचा रह गया, स्मॉल एम जी को तो बाहर ड्रॉप कर दिया। क्या बॉयंसी फोर्स चेंज हो जाएगा या स्टिल वही रहेगा, बच्चों बॉयंसी फोर्स अभी भी वही रहेगा, हो गए क्यों, बिकॉज बॉयंसी फोर्स ने कितना डिस्प्लेस करा, आउटर सरफेस उसका कैसा है तो वो चेंज नहीं हुआ, अंदर से कुछ मास हटा दिए आउटर नहीं हुआ, तो ये अभी भी ऊपर लग गया, तो ये नीचे लग रहा है बच्चों, बॉयंसी फोर्स अभी भी ऊपर लगेगा, एंड व्हाट विल हैपन टू ड्रैग फोर्स, अब कह रहा है कि पहले नीचे जा रहा था और अब कह रहा है कि अब उसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो बॉयंसी फोर्स ऊपर, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी नीचे, और अब ड्रैग फोर्स बच्चों वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा एंड मैग्नीट्यूड वही रह जाएगा। व्हाई मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, बिकॉज दोनों केस में वेलोसिटी सेम दिया और ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो बच्चों इसमें मैंने बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए, ये क्या लिखूं, नीचे लग रहा, नीचे वाले को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो प्लस अब निकालना क्या है बच्चों यहाँ पे स्मॉल एम एफ डी नहीं चाहिए, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर दिया तो कैपिटल एम जी टू एम जी माइनस स्मॉल एम जी माइनस टू बी दैट इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत इसमें, स्मॉल एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा टू कैपिटल एम जी माइनस बी, यही दिया है ना, आई बात समझ में बच्चों, द सेम कॉन्सेप्ट इज इन क्वेश्चन नंबर 20, सो आई विल एक्सपेक्ट कि 20 तुम लोग खुद से करो, द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, सो 19 मैंने स्टार मार्क करने के लिए कहा था, के बाद आ जाता है 20, अब कर लोगे आर्य जोशी, 20 भी करूं, ट्वेंटी वन बहुत सारे बच्चों ने पूछा है,
21 में तो दम नहीं होना चाहिए, क्या है 21 देखते हैं। F is equal to V cross A. कह रहा ये एक फोर्स है और एक फोर्स है ग्रेविटी का, तो ग्रेविटी का फोर्स तो कितना है बच्चों, एम जी माइनस जे कैप, जे कैप वर्टिकल डायरेक्शन को ले लिया। एक बार हम कहा कि कांस्टेंट वेक्टर है ए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब आई कैप है ना। व्हाट मिनिमम स्पीड विथ ए पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड सो दैट इट कंटिन्यूज टू मूव अनडिफ्लेक्टेड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। बच्चों एक पार्टिकल को कितना वेलोसिटी से थ्रो करें, किस डायरेक्शन में थ्रो करें, वी क्या हो मिनिमम और डायरेक्शन भी, ये अनडिफ्लेक्टेड पास करें। That is constant velocity से पास करें। इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब हुआ नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। बच्चों कितने फोर्सेज हैं, एम जी और ये एफ, मतलब दिस एफ मस्ट कंपनसेट दिस, मतलब ये अगर mg नीचे है तो ये f जो होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए। है ना, f जो होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए। तो कानवी से देखो कि ये v जो है ना ये हॉरिजॉन्टल ही थ्रो करना पड़ेगा। देखो मान लो ये V इधर थ्रो किया और A वेक्टर इधर है तो V क्रॉस A ऊपर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो दिस V मस्ट बी हॉरिजॉन्टल प्लेन। वाई, बिकॉज V क्रॉस A जो होना चाहिए वो वर्टिकल होना चाहिए। अब V और A के बीच में कितना एंगल है, तो मान लो ये एंगल थीटा है, तो लिखेंगे V इंटू A इंटू क्रॉस है ना V A साइन थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू एम जी। V मिनिमम होगा इसका मतलब थीटा साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए बच्चों, बस थीटा मस्ट बी 90 तभी साइन थीटा मैक्सिमम होगा। That means V minimum कितना हो जाएगा, mg by a, sin theta का वैल्यू 1 पुट कर दिया। बच्चों ये क्लियर? Yes. 100% क्लियर ये 21? दो कंसेप्ट इसमें देखा, a must be in horizontal direction because V cross A should be in vertical, तो V A का प्लेन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। और 90 डिग्री पे होगा तो V मिनिमम। नेक्स्ट सवाल, ट्वेंटी वन के बाद कौन सा था, 28 बच्चों मैंने कहा था छोड़ने के लिए, सूडो फोर्स सेट में कर दूंगा इसको। 23 था सर।
23, this is common doubt. जो वो 22 से रिलेटेड है. बच्चों इस सवाल में कुछ ज्यादा है नहीं. आउटपुट मशीन बच्चों इसको बोलते हैं ना, पुली और इसका स्ट्रिंग रहेगा. So, I hope कि 22 सबसे हो गया होगा. और 23 का ना सिर्फ लैंग्वेज क्लियरली नहीं समझ में आता बच्चों को, दैट्स वाई इसका आंसर जो आता है वो थोड़ा उल्टा आ जाता है, दो का फैक्टर आता है. और ये कॉमन मैक्सिमम बच्चे वही एक ही टाइप से सोचते हैं. द लार्जर मास इज अ स्टॉप फॉर ए मोमेंट. ये नीचे आ रहा बच्चों, टीज कर लो 2 सेकेंड पे, सपोज ये यहां पे है, ये कहीं यहां पे चला गया, सेम डिस्टेंस जाएगा. टीकल टू सेकेंड क्या किया है, लार्जर मास को क्या कर दिया है, स्टॉप रोक लिया, स्टॉप कर दिया, रोक, उसके पास वेलोसिटी था उसको रोक दिया, पकड़ लिया. क्या पकड़ के रखे हुए या पकड़ करके छोड़ दिया है, क्या स्टेटमेंट लिखा है, 2 सेकेंड के बाद छोड़ दे. नहीं, द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट 2 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इन टू मोशन. सिस्टम को जब छोड़ा है तो 2 सेकेंड जब हुआ तो उस समय एक इंस्टेंट के लिए फॉर ए मोमेंट इसको रोक दिया था. तो अगर इसका वेलोसिटी 2 सेकेंड पे बच्चों v था तो इसका भी वेलोसिटी v था, लेकिन इसका वेलोसिटी तो v से सडनली क्या कर दिया, जीरो कर दिया. तो लैंग्वेज सिर्फ समझना, स्टॉप फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए स्टॉप किया है, देन उसका पकड़े हुए नहीं है, देन इट इज रिलीज. बट यही डिफरेंस है सिर्फ, बच्चों को यही नहीं समझ में आता. मैं भी कभी गलती करता था शुरू में. तो जैसे ही 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होगा और इसका वेलोसिटी v ऊपर है, इसका वेलोसिटी नीचे जा रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा और इसका वेलोसिटी घटेगा और एक समय क्या होगा कि जितना ये ऊपर गया बच्चों उतना ही नीचे जब आ जाएगा तो स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग लूज क्यों हुआ, बिकॉज ये तो जा रहा है ज्यादा वेलोसिटी से ऊपर है, ये स्लोली नीचे आ रहा है क्योंकि 0 से स्टार्ट किया. तो सिंपली क्या कहेंगे, कितने देर बाद ये फिर से टाइट होगा, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट जाएगा, हाफ जीटी स्क्वायर नीचे, ये कितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाएगा, vt माइनस, मतलब gt स्क्वायर इक्वल टू vt, मतलब t इज इक्वल टू आई बात समझ में. अब
बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे इसको पकड़ के ही रखते हैं, 2 सेकंड में पकड़ के रख लिया, तो बच्चे क्या सोचते हैं ये टाइट कब होगा, तो ये तो रुका हुआ, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाके ऊपर जाके फिर वापस आएगा, उस समय ये टाइट हो जाएगा, ऐसा सोचेंगे। लेकिन क्या होगा बच्चों, अगर ऐसा मानते तो टाइम होता 2v/g टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन आंसर ये है, मोस्टली का आंसर ये आता है, आंसर ये दिया रहता है। ओके बच्चों, वी कैसे निकालेंगे तुम्हें पता है, व्हाट इज द वी जिस समय इसको रोका गया था, तो कहोगे सर वी जो होगा ए इंटू टी होगा, ए कितना हो जाएगा, ये 3 kg, ये कितना है, जो भी मासेज नहीं पता, ये बच्चों 2m लेता हूँ, ये m ले लेता हूँ, सॉरी 2m और ये m, सो 2m माइनस m जी बाई 3 आ जाएगा, तो g बाई 3 इंटू टी, टी हो बच्चों 2 सेकेंड, तो v इतना हो जाएगा 20/3 m/s। तो 23 भी हो गया बच्चों, 28 मैंने कहा छोड़ने के लिए, तो ये सारे डाउट्स हो गए। नाउ 34 एंड 42 एंड 37, तो 34 सर, 31 का सी बिल रन सर, कौन सा 31 का सी, 31 का सी ओजस पूछ रहा है, यस ओजस भाई मैंने तो बताया था कि क्या होता है क्लैंप, हाँ सर बट फोन में नहीं आया सर, अरे यार क्यों नहीं समझ में आया, ये पुली है, अब ये पुली को रोकने के लिए फिट करने के लिए फिटिंग के लिए ये लगाओगे ऐसे कुछ, इसी को बोलते हैं क्लाइंब सर, वो समझ गया, बस ये नहीं समझा कि निकालेंगे कैसे, अच्छा ये नहीं समझा कैसे निकालेंगे, ये पुली मूव कर रहा है या मतलब नेट फोर्स पुली पे 0 होगा या कुछ होगा, पुली रेस्ट में या एक्सलेट कर रहा है, रेस्ट, इतना मतलब डर डर के क्यों बोल रहे हो, रेस्ट में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, रेस्ट में पुली, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, टी, ये भी टी और प्लस क्लैंप का फोर्स, यही है ना 3 फोर्स, ये टी और क्लैंप का फोर्स, सर क्लैंप कौन से डायरेक्शन में लगाएगा, क्लैंप कौन से डायरेक्शन लगाएगा, इस टी और इस टी का रिजल्टेंट कितना है, तो इस रूट 2t को बैलेंस कर रहा होगा, किधर लगाएगा फोर्स, सामने ऊपर, आई बात समझ में, नेट फोर्स 0 करना है, यस सर, चलो तो ये हो गया कंप्लीट, हो गया 31 का सी क्लियर, टी निकल जाएगा तो हो जाएगा, बी ऑप्शन में उन्होंने लिखवाया है सर, हाँ बोलो सर, वो क्लैंप तो हर एक पुली में होता है ना सर, फिर हम हर में कंसीडर नहीं करते उसका मास, करते हैं ना पुली कंसीडर, जब पूछेगा तभी तो कहेगा क्लैंप का कितना होगा, तो कंसीडर करेंगे, यस सर, थैंक यू, जहां पे पूछेगा क्लैंप का फोर्स कितना होगा तो आप करेंगे, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 30 में देखो 2 पुली है ना, तो जो राइट वाला लेफ्ट वाला पुली है उस पर अगर पूछा जाए क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है, पुली मासलेस है तो क्लैंप कितना लगा रहा होगा, 2t या √2t, आयुष शिरोडे बताना,
राइट वाले पुली अच्छी वर्मा के 30 क्वेश्चंस में राइट वाली पुली का जो क्लैंप है वो कितना फोर्स लगाएगा? 2T. समर्थ बोनडार्डे, समर्थ भाई कहाँ गायब थे? सर पावर कट था और लैपटॉप चार्ज नहीं था इसलिए, और चार्जिंग ना जाए इसलिए मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ओके चलो, तभी कौन एग्जिट हो गया, एक आया तो एक चला गया। हर्षिता कितने सवाल की अच्छी वर्मा से? सर आपने जो होमवर्क दिया था उतना किया पहले के बाकी है। अच्छा तो होमवर्क हमने कहाँ से दिया था? आई थिंक 25 से दिया था क्या? 25 से दिया था। यस सर। 38 या 39 तक दिया था या 40 जो भी है। तो सारे कर लिए फिर, उतने हो गए या उसमें बचे रह गए कुछ? हर्षिता सर कुछ बचे थे लेकिन डाउट्स में हो रहे। अच्छा तुमने तो कुछ नहीं पूछी। और हम लोगों ने कर लिया बच्चों 31 कर लिया, 34 नेक्स्ट करना। 34 में कौन सा पार्ट है? 34 में तीन है बच्चों, कौन सा करूं? अभिषेक तुम्हें कोई डाउट है? नहीं सर, वो सिर्फ सूडो फोर्स के बाकी है मेरे क्वेश्चंस। ठीक है चलो। और बच्चों जिसने 34 पूछा बताओ क्या तीनों डाउट है या एक कोई कर दूं? सॉरी ए वाले में, ए वाला कर दूं, 34 का ए कर देता हूं, बाकी तुम लोग कर लेना। देखो बच्चों इसमें एक छोटा पुली है, और कुछ स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, और इसमें मेन चीज बच्चों है जो है ना वो है कंस्ट्रेंट रिलेशन। मुझे सिर्फ कॉमन सेंस से थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा के बताना कि 5 kg को बी बॉडी कर दिया और 4 kg को ए, इसमें नीचे कौन आएगा? विच बॉडी विल गो डाउन? ए आएगा। बहुत बढ़िया, ए नीचे आएगा। लेकिन मुझे लगता है ये 5 kg है यार, ये 4 kg है तो 5 kg नीचे आना चाहिए था। सर वो 5 kg पे ऊपर 2T फोर्स लग रहा है। बहुत बढ़िया एकदम सही, ये 2T लग रहा है, यहाँ पे टी ही लग रहा है ऊपर, सो बहुत सही। ये नीचे आएगा बच्चों और ये ऊपर जाएगा, तो मान लो ये जो एक्सेशन ए से ऊपर जा रहा है तो कैन यू फाइंड कि ये ए डैश कितना होगा, 2A या ए बाई 2? क्योंकि सर अगर ये x ऊपर गया बच्चों तो इधर से x स्ट्रिंग, इधर से x स्ट्रिंग फ्री होगा तो इधर 2x बढ़ेगा। सो इज दिस करेक्ट? यस सर। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्लियर कि यस ये ऊपर a से ऊपर जाएगा तो ये 2a से नीचे आएगा। अब 5 kg का एफबीडी बनाता हूं बच्चों, ये पुली को 5 kg का पार्ट मान लो, पुली को 5 kg का पार्ट मान लो, ऐसे मान लो T ऊपर और 5G नीचे, एक्सेशन है A ऊपर, 2T माइनस
5g दैट इज इक्वल टू 5 इनटू a इक्वेशन 1. 4kg का देखोगे 4g नीचे t ऊपर, एक्सेशन किधर है 2a नीचे है. 4g माइनस t दैट इज इक्वल टू 4 इनटू 2a. अब मुझे बच्चों t को एलिमिनेट करना है, क्या करूं? इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पे माइनस 2t, यहां पे प्लस 2t जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद. 8g माइनस 5g 3g, 4 8 इनटू 2 16 प्लस 5 a is equal to 3g by 21. देखो तो आंसर g by 7 है क्या? Yes sir. Yes. So 34 भी हो गया. Next सवाल directly कौन सा? 42? नहीं 37 भी किसी ने पूछा था. तो कभी कभी इस सवाल को ना ऐसे पूछा रहता है कि एक मिरर है जिसका मास m है और एक मंकी जो है वन मंकी इज होल्डिंग ए रोप मंकी तो बड़ा अच्छा बन गया यार, आंख भी बना देता हूं. इसका भी मास m है और ये अपना इमेज यहां पे देख रहा है, इसको डर लगा ये ऊपर भागना चाह रहा है. यार कौन आ गया, इस मंकी से दूर भागना है. तो क्या किया, ये ऊपर चढ़ना शुरू किया. दोनों का मास सेम है तो इनिशियली दोनों रेस्ट में था. अगर ये ऊपर जाता बच्चों तो ये कुछ फोर्स से पुल किया इधर स्ट्रिंग को नीचे, तो स्ट्रिंग इस पे किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर. तो जितना फोर्स से ये पुल करेगा स्ट्रिंग उतना ही फोर्सेस इधर लगाएगा ऊपर, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ. अब ये मंकी का एबडी ड्रॉ करें, एफ ऊपर और वेट नीचे. अब बताओ अगर टेंशन टी है बच्चों तो यहां भी तो टेंशन वही जाएगा, तो इसमें भी टेंशन एफ ही रहेगा. इसका जब एबडी ड्रॉ करेंगे तो इसका भी वही हो जाएगा, एफ माइनस कैपिटल एम जी सेम फोर्स होगा. सो द टू विल हैव सेम एक्सेशन. एम आई राइट? यस सर. के सामने ही हमेशा मंकी रहेगा, मंकी भाग ही नहीं पाएगा. ये कहानी है. लेकिन इस केस में बच्चों क्या होगा, कहोगे सर रोप का लेंथ तो कांस्टेंट है, तो एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, तो यहां दोनों सेम डायरेक्शन में कैसे जाएगा? बच्चों द रोप विल रिलीज फ्रॉम हिज हैंड. अगर ये सपोज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्स ऊपर गया है तो रोप जो है इसके हाथ से 2x रोप को इसने रिलीज किया होगा ऐसे ऐसे करके. Are you getting my point? Yes, sir. रोप यहां से यहां x नीचे आ जाएगा, तो यहां से x नीचे आ जाएगा और x ये ऊपर गया, 2x रोप उसके हैंड के नीचे होगा. So this is condition, this is question of 37. Next 38 भी doubt है. थर्टी एट भी कर लेते हैं.
बच्चों दो मंकी है, एक छोटा बच्चा है और उसकी मम्मी उसको ले जा रही है, तो उसको कही कि चलो यार मेरी पूंछ से पकड़ लो, लेकिन इसके टेल में मैक्सिमम टेंशन जो हो सकता है टेल में वो कुछ दिया हुआ है। थर्टी न्यूटन मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है वो। टू केजी का मंकी है, और ये बड़ा वाला मंकी फाइव केजी का है। बच्चों पूछा कि ये कितना एक्सेशन से ऊपर जा सकता है ए मैक्स, जबकि इसके टेल में मैक्सिमम टेंशन 30 न्यूटन होगा। जितना ज्यादा एक्सेलेरेशन जाएगा बच्चों टेंशन उतना ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम टेंशन के लिए निकाल लेते हैं क्या एक्सेलेरेशन होगा। तो ये 30 ऊपर माइनस 2g नीचे, दैट इज इक्वल टू 2 इनटू a, सो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन इसका कितना आ गया नीचे वाले का 30 माइनस 20 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मिनिमम ऊपर जाना है तो एक्सेशन क्या हो जाएगा जीरो। तो जिस समय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है बच्चों उस समय ये स्ट्रिंग को कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो क्या करते हैं उसके लिए दोनों को सिस्टम ले लेते हैं। टेक द टू मंकी एज सिस्टम। बच्चों इसका हो जाएगा 7g नीचे और ऊपर हो जाएगा कितना, सपोज f, और एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इक्वेशंस लिख लेंगे f माइनस 7g दैट इज इक्वल टू 7 इनटू a। a निकाल चुके कितना है 5g बाय 2। कितना 15g बाई 2, और मिनिमम कितना होगा बच्चों ऊपर जाना तो जीरो एक्सेलेरेशन से जाए तो सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, क्या है सेवन जी कॉमन ले लो तो 3 by 2 21g/2 दिस इज द मैक्सिमम, और मिनिमम कितना हो जाएगा जस्ट स्लोली ऊपर जाएगा तो 7g को बैलेंस करेगा 70 न्यूटन। चलो ये सवाल हो गया, और कोई सवाल करना है? जब सुडो फोर्स पढ़ाएंगे तो एचसी वर्मा कंप्लीट। नाउ वी विल टेक डाउट ऑफ द बुकलेट सर। सर वो न्यूटन लॉ के पहले ट्यूटोरियल में कुछ डाउट है सर।
ट्यूटोरियल में डाउट है, ठीक है। सर सर आप एक बार ऊपर कर सकते हो स्लाइड। इसमें कोई डाउट है सर? वो मंकी है सर, वो जब जो स्ट्रिंग है सर वो नीचे करेगा तो 2x से नीचे आएगी स्ट्रिंग और मंकी 1 से ऊपर जाएगा, ऐसे कैसे थे सर? क्योंकि वो तो ऊपर उतना ही जाएगा ना, तो एक अगर वो ऊपर गया सिर्फ मंकी ऊपर जाता तो एक्स हाथ से स्ट्रिंग निकलता। यस सर। और उधर दूसरी तरफ का ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है तो वहां से भी स्ट्रिंग फ्री हो रहा है। यस सर। दोनों तरफ से हो रहा है इसलिए दोनों जाएगा। यस सर। क्लियर? यस सर। चलो और आगे। सच्ची वर्मा बच्चों क्लोज करते हैं और सर बच्चों बुकलेट का G2 डिस्कस कर रहा हूं। दिस मंकी इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो T1 कम्स आउट एज यहां से देख लो 80 प्लस 12 92 हेलो हाँ बोलो सर। मैंने वो कल आपको मैसेज किया था कि मैं न्यू स्टूडेंट। ठीक है, मैं कुछ देर में भेजता हूँ तुम्हें ना, मैं लेक्चर में भी न्यूटन। अब बताओ अगर T2 निकालना है कौशल तो क्या करें, किसका बड़ी ड्रॉ करें? बी का इसको T2 ऊपर 8G नीचे और T1 नीचे है ना। समझे इस चीज को? यस सर। सर हम पूरे सिस्टम लेके नहीं सॉल्व कर सकते सर? सिस्टम लेके जब सॉल्व करोगे ना तो देखो क्या होगा, ये कुछ ऊपर जा रहा है ये कुछ नीचे जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है। सिस्टम लेते हैं तब तुम गौर कियोगे कि सबका एक्सेशन सेम है ना, एक बॉडी मान लिया। ये सिस्टम लेके सॉल्व करेंगे कब करेंगे, जब हम सेंटर ऑफ मास एक चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हमें नहीं आता है सिस्टम लेना, कब? जब ब्लॉक्स के एक्सेशन अलग अलग है। तो अभी क्या हो जाएगा, T2 यहां से निकाल लोगे वैसे ही FBD कंसीडर करके, T2 निकाल लिया तो अब इसका ले लेना, ठीक है? यस सर। यू कैन फाइंड T3। यस सर। ठीक है बच्चों, चलो और कोई सवाल जो परेशान किया? लास्ट वन क्वेश्चंस फ्रॉम बुकलेट, असाइनमेंट का बचा रह जाएगा। किसी ने भेजा है मैसेज? अनुष्का ने कही है पार्ट वन का D5, E2 and 4।
जो देखो D5 में जो मेरा है पता नहीं तुम्हारा वही है या डिफरेंट है। अनुष्का बताना D5 यही है क्या? नो सर। थोड़ा सा आइडिया बता दो D5 में क्या है, कैसा है सिचुएशन? सर वो ऊपर से हॉरिजॉन्टल पुली लगी है और वो एक बीच में रॉड है। 2 meter per second से रॉड रोटेट करा और पूरा होल सिस्टम। नहीं सर, ऐसे बोला कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए इन टर्म ऑफ बी। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी। एक सेकंड मैं दिखा रहा हूँ अपना बुकलेट। ये पार्ट वन का D5 बोल रहा है, ये पार्ट टू का D5 था, मैं पार्ट टू में चला गया था। एनीवे जब ये स्टार्ट किया तो इसको भी बोल देते हैं, कुछ बच्चों को डाउट होगा इसमें भी। ये बच्चों पार्ट टू का D5 है, देख लो ये, अगर किसी ने सॉल्व किया नहीं हुआ होगा तो। बच्चों एक रॉड है जो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट का बी का वेलोसिटी किधर होगा बच्चों? इधर होगा, रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर कंस्टेंट है, इधर ही मूव करेगा ऐसे, और ब्लॉक का इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर है। अब अगर सवाल आया कि ये 60 डिग्री है तो ये 30, तो ये हो जाएगा 60, बिकॉज ये 90 डिग्री पे है ये, तो वी भी क्या है क्योंकि ये टच में बच्चों, तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटी सेम, इसका √3 है इस ब्लॉक का, इस पॉइंट का भी इधर √3 होगा, तो वी बी साइन 60 दैट इज इक्वल टू √3। एम आई राइट बच्चों? यस सर। और मैं स्क्रीन से स्टॉप कर रहा हूं। देखो सेक्शन डी में अनुष्का, देखो ये सारे सवाल हैं सेक्शन डी। सर ये हमारे इसमें पार्ट 3 है ना, उसका D2 है। तो कौन से सवाल में डाउट है इसमें? देखो तनुष्का दिख रहा है क्या? नहीं सर वो D5 नहीं है, मतलब हमारे इसमें है ना वो इधर नहीं है। हाँ सर वो नीचे का लास्ट D7। यस सर, यस सर। तो कुछ ऐसा एक ब्लॉक है, ये बी है और ये ए है। कह रहा है बच्चों कि ये ना बी वेलोसिटी से जा रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी। ए किधर जाएगा? तो सोचना अनुष्का एकदम कॉमन सेंस से, अगर ये पुली एक्स डिस्टेंस आगे चला गया तो ये ब्लॉक यहां से कितना ऊपर ऊपर जाएगा? एक्स ही जाएगा क्या ऊपर?
क्योंकि ये स्ट्रिंग अब कैसा हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, इतना जो स्ट्रिंग बढ़ाई है ऊपर जाके रिलीज करेगा। सो कैन यू गेस कि जो ए का वेलोसिटी है बच्चों, ये ऊपर बी हो जाएगा जितना इसका आगे है, और ए तो इसके अंदर है तो जितना बी आगे गया है उतना ए भी गया, तो बी हैव सेम वेलोसिटी इन दिस सेक्शन आल्सो। सो ब्लॉक ए हैव टू वेलोसिटी, बी अलोंग एक्स एज वेल एज बी अलोंग वर्टिकल एक्शन। सो वेलोसिटी ऑफ ए इज रूट टू बी। अनुष्का इज इट क्लियर? यस सर। अगर पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो कहोगे सर बी जे कैप। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सॉरी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। मैं पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये तुम कहोगे बी जे कैप प्लस बी आई कैप और मैग्नीट्यूड में रूट टू। आज का सेशन यही फिनिश करें, बहुत सारे बच्चे एग्जिट भी कर रहे हैं।